मैं तेरे को अपना बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। अरे भाई साहब मैं आपको बताता हूँ ना, आपने तू तलाक में बात की वो सबसे बड़ी गलती थी आपकी। एक को चाबी के हाथ में लगानी चाहिए मोटरसाइकिल, हम नहीं लगाते, तुम नहीं लगाओगे बिल्कुल। आपने क्यों पैसे लिए? आपने पैसे क्यों नहीं लिए किसी से? पैसे क्यों लिए? पैसे मैं बताता हूँ ना, पैसे लिए कोई नहीं लिए। भाई साहब ऐसे जाओगे नहीं, भाई साहब ऐसे जाओगे नहीं, भाई साहब ऐसे पैसे लेके भाग रहे हो आप, पैसे लेके भाग रहे हो आप, पैसे लेके भाग रहे हो। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ड्राइवर ने निकाली पुलिस कर्मी की गाड़ी की चाबी, उल्टा पड़ गया दांव, भागने लगा पुलिस वाला, अब जिंदगी भर याद रखेगा कि जागरूक ड्राइवर से पड़ गया था पाला। दोस्तों, एक ड्राइवर का भी सम्मान होता है, इज्जत होती है, उसका भी अपना एक जमीर होता है, और जो इस बात को समझता है वो अपने सम्मान के लिए किसी से भी भिड़ जाता है, जैसा कि इस घटना में हुआ। ये घटना मसूरी उत्तराखंड की बताई जा रही है। मनप्रीत है दिल्ली से, जिन्होंने हमें ये वीडियो भेजी है। उनका कहना है कि वो यहाँ पर सवारी छोड़कर आ रहे थे, इस दौरान पुलिस कर्मी ने उन्हें नो एंट्री का बताकर रोक लिया। 500 रुपए एंट्री के नाम पर लिए गए, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ड्राइवर ने इन सब को झेल लिया, लेकिन अपने सम्मान के साथ खिलवाड़ उसने न झेला। ड्राइवर ने यहाँ पर हंगामा सिर्फ इस बात को लेकर कर दिया कि ड्राइवर को पुलिस वाले ने ओए कह दिया था, यानी बदतमीजी से बुलाया। उसके बाद क्या क्या हुआ देखिए। आपकी जेबें चेक होगी अब, बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी आपके एंट्री आप हो जाएगी, आपके काउंटिंग होगी, ठीक है। आप बहस कर रहे हो, आप बहस कर रहे हो, बहस नहीं। आपने पहले तो मेरे साथ तू तड़ाक में बात की, वो गलत था। एंट्री दे दी कोई बात नहीं, लेकिन आपने तू तड़ाक में बात की वो गलत था। वो कोई नहीं होता, वो कोई बदतमीज नहीं होता। मैं बताता हूँ ना आपको। देखा आपने यहाँ पर किस तरह से ड्राइवर भारी पड़ गया पुलिस वाले पर। पुलिस वाले की ही भूमिका ड्राइवर ने निभा डाली। अक्सर करके आपने देखा होगा कि चाबी पुलिस वाले निकालते हैं गाड़ियों से, लेकिन यहाँ पर ड्राइवर ने ही पुलिस कर्मी की गाड़ी की चाबी निकाल ली। आपने क्यों पैसे लिए? आपने पैसे क्यों नहीं लिए किसी से? पैसे क्यों लिए? पैसे मैं बताता हूँ ना, पैसे लिए कोई नहीं लिए। भाई साहब ऐसे जाओगे नहीं, 100 नंबर पे कॉल करो, करो करो करो, नहीं 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 मैं बताता हूँ। अरे तुम्हें जो करना करो। भाई साहब ऐसे पैसे लेके भाग रहे हो आप, पैसे लेके भाग रहे हो आप, पैसे लेके भाग रहे हो। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। चल बुला, बुला जिसको, बुला जिसको, बुला जिसको, बुला जिसको। मैं बताता हूँ, बुला जिसको बुलाना, बुला जिसको बुलाना। नहीं जाओगे आप, पैसे पैसा लेके भाग रहे हो हमारा, पैसा क्यों लिया? चालान करते आप, आप पैसा लेके मत भागो, बदतमीज मत करना, पैसा लेके मत भागो। मैं बोल रहा हूँ पैसा लेके मत भागो, हमने ले लिया, पैसा लेके मत भागो। भाग रहे हो आप, भागोगे नहीं, आप भागोगे नहीं, आप भागोगे नहीं, भाग रहे हो, पिछड़ो, भागो मत, पहले पिछड़ जाओ। मैं नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, चलो बुलाओ पुलिस को। देखिए किस तरह से ड्राइवर जब पुलिस कर्मी पर हावी हुआ, 112 नंबर पर खड़े खड़े पुलिस के सामने ही कॉल लगा डाली, फिर किस तरह से पुलिस कर्मी की सिट्टी पिट्टी गुल हुई। आपकी जो एंट्री है ना वो सारी बताता हूँ। करिए करिए भाई, 112 दे कॉल कर जल्दी। हेलो हेलो, रुक जा मैं करता हूँ। अरे मैं करता हूँ ना खत्म, क्यों करूँ, खत्म करो, क्यों करूँ, अरे पहले खत्म, क्यों करूँ ना, एक मिनट रुकना, पहले खत्म करो। मैं बताता हूँ ना, मैं तेरे को अपना बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। देखा आपने पुलिस वाला किस तरह से घबराया हुआ है, उसके पसीने छूट रहे हैं, अपना मेडिकल तक करवाने को तैयार हो गया, भागने की कोशिश करने लगा, ड्राइवर की ऊपर की जेब से मोबाइल निकलवा कर बंद करने की बात की, 112 नंबर पर जब कॉल की तो उस कॉल को काटने की बात की, इतना घबरा गया था। लेकिन ड्राइवर अड़ा रहा, वो नहीं माना। इस घबराहट में पुलिसकर्मी ने अपने दूसरे साथी को बुलाया, फिर वो आया, फिर देखिए यहाँ क्या हुआ। हेलो मैं बताता हूँ ना पैसे कैसे लेते हैं, मतलब बुलाओ बुलाओ भाई साहब बुलाओ, मैं कहता हूँ पुलिस बुलाओ, आप बुलाओ, मैं बता रहे हैं बकवास का, मैं आपको बता दूंगा कि बकवास कैसे होता है। हाँ बना वीडियो, मैं बता दूंगा लेकिन आपको बकवास, दूर से बात करो। हाँ मैं बताता हूँ, आप भागोगे नहीं, आप भागोगे नहीं, आप भागोगे नहीं। हाँ बुलाओ, अब तुम दिखाओ कहाँ से लिए मेरे पैसे। मैं दिखाता हूँ ना, मैं सारा कुछ दिखाऊंगा, दिखाओ ना, अभी तक रिकॉर्ड हो रहा है, मैं सारा कुछ दिखाऊंगा। देखो सर आपकी जिम्मेवारी है, बिना कैश काउंट किए मैं नहीं जाने दूंगा ऐसे, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी। चौकी में जाके सर कैश निकाल देगा बंदा, चौकी निकाल, सर निकाल देगा बंदा कैश,
निकालेगा जेब से कैश, वो कैश काहे का लिया सर? कैश लिया हुआ इन्होंने हमसे, पैसे लिए उनको, या तो रोको सर आपकी आपकी जिम्मे, वो निकालेगा वहाँ जाके कैश निकाल देगा सर जेब में से, इसीलिए तो भागा है सर। एंट्री ली है हमसे सर, एंट्री ली है 500 रुपए 500 तुमसे यहाँ लिए? हाँ हाँ जी यहीं पर है। इसने खुद गाड़ियाँ लगवाई, ये बंदा ये ड्राइवर है, इनसे पूछो, इनसे भी लिए लिया नहीं है, लिए 300 रुपए पूछो, ये ड्राइवर है, ये वो गाड़ी है सामने, 300 इससे लिए, 500 हम दोनों से लिए, ठीक है सर। अब तो निकाल देगा वो जाके पैसे, भागा बंदा, उसके पास पैसे कम कम होंगे क्या सर? निकाले हैं उसने पैसे, अभी निकालेगा जाके, मैं गारंटी लेता हूँ, आपको नहीं जाने देना चाहिए। 500 थोड़ा होंगे उसके पास सर, और भी होंगे, लेकिन वो गायब करेगा पैसे सर, वो गायब करेगा। मैं आपको देखा आपने, जब दूसरा साथी आया तो किस तरह से पुलिस कर्मी सफाई देने लगा, फिर भी ड्राइवर नहीं माना, यही कहा कि ओए किस तरह से कह दिया, और अपनी भाषा पर अपनी जुबान पर लगाम लगाए रखना चाहिए। अपने दूसरे साथी को देखकर या यूं कहें जब दूसरा साथी आया तो पुलिस कर्मी वहां से रफू चक्कर हो गया। ड्राइवर ने बताया कि वहां पर काफी देर बातचीत चली, आखिरकार समझौता ही हुआ, पुलिस कर्मियों को समझौता करना पड़ गया ड्राइवर से। यहां पर पुलिस कर्मियों ने माफी मांगी और जो पैसे एंट्री के लिए गए थे वो वापस किए। तो कुल मिलाकर अपने सम्मान की जो लड़ाई यहाँ पर ड्राइवर ने लड़ी वो देखते ही बनती है। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी 90831 90831 पर व्हाट्सएप कर दें तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।